जी बात बताइए, अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो इसका राजनीति जो पार्टीज हैं उन पे क्या इफेक्ट और इम्पैक्ट पड़ेगा उसके बारे में बताएं कि अगर ईवीएम से चुनाव होते हैं तो। चुनाव तो खैर ईवीएम से ही होंगे ही तो पक्का है, और जो है चुनाव आयोग ने डिक्लेयर कर ईवीएम से ही होंगे। मैं यहाँ एक बात बताना चाहूंगा, लोकतंत्र में एक तरफा अगर आप गेम खेल लोगे तो लोगों के शक के दायरे में आप आ जाएंगे। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सब राजनीतिक पार्टियों का वजूद और अस्तित्व बना के रखा जाएगा। केवल और केवल खेल इस बात का होगा कि कुछ प्रतिशत वोट ऊपर नीचे किए जाएंगे और सरकार बदल जाएगी। पहले बूथ कैप्चर हुआ करते थे, आज बूथ कैप्चर नहीं होते, आज पूरा का पूरा इलेक्शन कैप्चर होता है। आज ज्यादा बड़ी बेईमानी होने की संभावना बढ़ गई। और देखो जी, बिल्कुल क्लियर है, जितनी भी टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं, जितनी भी आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हर चीज में लूपहोल है जी। जब क्या नाम था उसका, नीरव मोदी विदेश में बैठ करके पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर लेता है तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब आपका आधार, आप देखो जाके कैसे आधार बंद है, आप जो आधार की जो फिलअप करता है उसका फिंगरप्रिंट उसमें जाना होता है, लेकिन वो बंदा वहां उपस्थित ही नहीं है, उसकी जगह एक फिंगरप्रिंट वाला कुछ जुगाड़ बना रखा है, प्लास्टिक या ऐसा कुछ है, उसे लगाते हैं तो फिंगरप्रिंट उसमें चले आते हैं। मतलब फर्जी तरीके से आपके आधार कार्ड बन रहे हैं तो सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये भारत है और भारत में जो नेता हैं ये सब कुछ कर सकते हैं, इनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। एक छोटा सा जोक सुनाऊंगा नेताओं के ऊपर। हुआ क्या, एक बार पहाड़ी इलाके से कुछ नेता कार में बैठ के जा रहे थे। अब किसी वजह से कार पहाड़ी से नीचे खाई में गिर गई। खाई जो थी 20-25 फुट की गहराई थी, ज्यादा गहरी नहीं थी। वहीं पर एक किसान काम कर रहा था। अब जब वो नेता गिर गए, 5-6 नेता बैठे होंगे गाड़ी में, अब उस किसान ने क्या किया, उसने गड्ढा खोदा, सारे उसमें दबा दिए। अब पुलिस आई, पुलिस ने आके कहा कि भाई हमने सुना है कि यहाँ कुछ जो नेता लोग थे तुमने उन्हें गड्ढे में दबा दिया, क्या उन्होंने कुछ कहा था, मर गए थे या कुछ कहा था उन्होंने? कि हाँ, एक आदमी कह तो रहा था कि जो है तुम क्या कर रहे हो, पर मुझे यकीन नहीं हुआ क्योंकि नेता था, इसलिए मैंने सबको दबा दिया। आप समझे, तो नेताओं की बात पर भरोसा करना बड़ा कठिन है। तो ये लोग सत्य से बहुत परे हैं और केवल केवल इन्हें अपने लाभ की बात ज्यादा समझ में आती है। वीवीपैट भारत के लिए सुरक्षित नहीं है। सती जी एक बात बताइए कि अगर ईवीएम से चुनाव ना होकर बैलेट पेपर से हो तो इसके लिए राजनेता लोग और जनता को क्या करना चाहिए? इसमें जनता तो कुछ भी नहीं कर पाएगी, इनको प्रॉपर बिल पास करना पड़ेगा संसद में। जनता तो केवल आंदोलन कर सकती है, सड़कों पर आ सकती है, इसके अलावा जनता कुछ नहीं कर पाएगी। करना तो कि इन्हीं लोगों को पड़ेगा। अगर 131 सांसद जो शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के लोग, अगर ये ही एक आवाज में उठ के कह देते तो काम हो जाता, लेकिन ये हो ना सका। और अभी आलम है कि तू नहीं तेरा गम और तेरी जुस्तजू भी नहीं, और गुजर रही है जिंदगी इस तरह, इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, और बस यूं ही रह जाऊंगा कभी खो के मेरी हमनफस, तू मुझे जवाब दे या ना दे। तो ये तो ऐसी इनकी गाड़ी जो है चलती रहेगी और ये मानेंगे नहीं बिल्कुल भी।